need aspirins. I, Dr. Karima Singh Kant, welcomes all my dear future doctors to Pradis Institute of Education. You are on our YouTube channel, Pradis Education Meet. और बच्चा, यहाँ हम कर रहे हैं तैयारी आपकी जीत की. आप और मैं तैयारी कर रहे हैं साथ में नीट की. हमने नीट 2024 को टारगेट करते हुए क्लास 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और फिलहाल हम हैं नीट जूलॉजी के चैप्टर एनिमल किंगडम पे. तो आज हम एनिमल किंगडम का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइलम कॉर्डेटा. तो हम आज की क्लास में फाइलम कॉर्डेटा पढ़ने वाले हैं. बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, यू ऑलरेडी नो कि मुझे आपको कुछ बताना है. और वो क्या बताना है कि आप अपने छोटे भाई बहनों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको बता सकते हो कि प्राडिस एजुकेशन बेटा एक बहुत रिनाउंड ई लर्निंग एप्लीकेशन है और वो लोग चाहें तो हमारे साथ अपना ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और हमारे साथ हमारी लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस का पार्ट हो सकते हैं. वहाँ हम उन्हें वन ऑन वन पढ़ाते हैं, जो भी डाउट्स हों क्लास में देन एंड देयर सॉल्व कराते हैं. एग्जाम की प्रिपरेशन से लेकर सब कुछ ऐप पे ही उनको कराई जाती है. फिलहाल ऑफर प्राइस चल रहा है तो अगर वो कूपन कोड यूज़ करेंगे प्राडिस अंडरस्कोर 2025 तो उनको जो ईयरली पैकेज 30,000 फीस का है वो पड़ जाएगा एट 8999. तो 8999 के प्राइस पे वो हमसे पूरे साल अपनी पढ़ाई कर सकते हैं हमारे साथ. ठीक है बेटा, क्या क्या मिलेगा? क्लासरूम वीडियो, 3D वीडियोज़, लेक्चर वीडियोज़, ये सब तो मिलेंगे. स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हुए वीडियोज़, लाइव वीडियोज़ मिलेंगे. वीडियो मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड रहता है, उसको देख सकता है बच्चा. प्लस कोई भी डाउट अगर उसको है तो टीचर्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं. वो भी वही टीचर जिन्हें लाइव क्लास दी थी. तो जिस टीचर से आप लाइव क्लास में पढ़ रहे हो वही आपका डाउट सॉल्विंग टीचर भी रहता है. तो यहाँ बुद्धू बनाने वाला कोई काम नहीं किया जाता कि पढ़ा कोई और रहा है, डाउट कोई और सॉल्व कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. प्लस सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा, आपकी बुक्स के सॉल्यूशंस आपको फ्री में मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स, वर्कशीट्स और पर्सनलाइज्ड आउट सेशन, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू देम इफ़ दे आर आर पेड सब्सक्राइबर्स. अब रही बात आप लोगों की, तो आपको तो हमने प्रॉमिस किया कि आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे, तो पढ़ाई आपको पूरी की पूरी फ्री कराई जाएगी. आपको उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं देना है बच्चा. टेलीग्राम चैनल आपका बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स सब कुछ टाइमली मिलती रहेंगी. अगर आपको भी ऐसा लगे कि नहीं मैम, मैं ऐसे पढ़ तो रहा हूँ, वो सब तो ठीक है, बट काश आप मुझे बता पाते कि मैं सही तो पढ़ रहा हूँ ना, मेरा टाइम टेबल देख पाते, मुझे गाइड कर पाते, मैं आपसे बात कर पाता, तो उस कंडीशन में बच्चा आप भी यही वाला पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आप भी हमसे डायरेक्टली टच में रह पाओगे. अब चलो अपन बात करते हैं आगे की. अगर तो आज है हमारा एनिमल किंगडम का नेक्स्ट लेक्चर की बारी जिसका नाम है एनिमल किंगडम फाइलम कॉर्डेटा लेक्चर नंबर 5. क्या पढ़ोगे आज? आज हम पढ़ेंगे कॉर्डेट्स के बारे में. तो देखो, हम कॉर्डेट्स के बारे में स्टार्ट करें उससे पहले याद करो कि हमने अभी तक जितने भी फाइलम्स पढ़े थे उनको हम सबको इनवर्टेब्रेट फाइलम्स बुलाते थे. वहाँ पर कहीं भी हमने वर्टेब्रेट एनिमल्स को नहीं देखा. कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं हम और अब हम फाइनली आ गए हैं एक ऐसे फाइलम पे जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिलेगी. तो जिनमें भी आपको प्रॉपरली नोटोकॉर्ड दिखने लगेगी वो सब आपको यहीं मिलने वाले हैं. तो यही एक बेसिक पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन में नोटोकॉर्ड का होना. यहाँ पर है वो नोटोकॉर्ड वाले ऑर्गेनिजम्स. तो हम कहते हैं जो भी एनिमल्स कॉर्डेट्स को बिलोंग करते हैं उनके पास नोटोकॉर्ड होती ही होती है. अपार्ट फ्रॉम नोटोकॉर्ड आपको इनके पास एक डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी मिलेगी, जैसे आपके और मेरे पास है पीछे स्पाइनल कॉर्ड. लाइकवाइज दीज एनिमल्स दे ऑल्सो हैव सम हॉलो नर्व कॉर्ड. इनके पास भी कुछ खाली सी पीछे की तरफ एक नर्व कॉर्ड होगी ही होगी. इनके अलावा आपको मिलेंगे बेटा पेयर्ड फारेंजियल गिल स्लिट्स. तो पेयर्ड फारेंजियल गिल स्लिट्स भी होंगे, तो ये भी इसकी खूबी है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस डायग्राम में नर्व कॉर्ड मिल रही है होलो सी, नोटोकॉर्ड मिल रही है, प्लस आपको मिल रहे हैं गिल स्लिट्स. तो ये सारे एनिमल्स पजेस करेंगे जो कॉर्डेट्स को बिलोंग करेंगे. तो किसी ने भी पूछा कॉर्डेट कैरेक्टर्स बताओ, तो आपको यही बताने हैं नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, प्लस फारेंजियल गिल स्लिट्स का होना, वो भी पेयर्ड. ठीक है, इसके अलावा ये कैसे होते हैं? बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिपलोब्लास्टिक, सीलोमेट, और सबके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सो आई डोंट थिंक हमें इस पर कोई भी डाउट है. अब इन टर्म्स से हम बहुत वेलवर्स हैं, है ना, अब ये टर्म्स हम अच्छे से समझ चुके हैं, तो दोबारा हमें कोई उस पर ध्यान देने की अब जरूरत रह नहीं गई है. इसके अलावा बच्चों इनके पास क्या होता है? इनके पास होती है पोस्ट एनल टेल, मतलब पीछे की तरफ इनके पास एक एनल टेल होती है. तो एनस के बाद आपको ऐसा कुछ टेल जैसा स्ट्रक्चर दिखने वाला है. और इनकी खूबी रहती है कि इनके पास, सबके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप का है. मतलब सबके पास जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड फिल्ड डायरेक्टली नहीं है. अगर हम कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से कंपेयर करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होगी,
नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड कभी नहीं मिलेगी। इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा पीछे की तरफ, जिसको हॉलो और सिंगल होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे की तरफ होगा, वेंट्रल साइड पे सॉलिड होगा और डबल होगा। पेयर्ड गैंग्लिया वगैरह की हम बातें यहाँ पे करते थे। कॉर्डेट्स की हम बात करेंगे तो फैरिंग्स परफोरेटेड रहेगा, गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगी, यहाँ पर कहीं पर भी आपको गिल स्लिट्स देखने को नहीं मिलने वाली। हार्ट की बात करोगे बेटा तो आगे की तरफ है, वेंट्रल है, पर इनमें अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो पीछे होगा, मतलब डॉर्सली लोकेटेड हार्ट रहेगा इफ प्रेजेंट। कॉर्डेट्स की हम बात करेंगे तो पोस्ट एनल टेल है, इनके पास पोस्ट एनल टेल आपको कभी नहीं मिलने वाली। सो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड अ नॉन कॉर्डेट। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे पॉइंट्स लिखे आ जाएंगे, पूछ लेंगे आपसे चूज द करेक्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन कॉर्डेट्स, और वहाँ पे लिख देंगे हार्ट इज वेंट्रल। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि हार्ट डोर्सल होता है नॉन कॉर्डेट्स में, वेंट्रल नहीं होता। अगर ये लिखा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब पूरे फाइलम कॉर्डेट्स की बात करते हैं ना, तो पूरे फाइलम कॉर्डेटा को हम डिवाइड करते हैं इंटू थ्री, हम इसको डिवाइड करते हैं इंटू थ्री। कैसे डिवाइड करते हैं, देखो, तो जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ बच्चों, ये अगर हमारे कॉर्डेट्स थे तो हम कॉर्डेट्स को तीन भाग में बांट सकते हैं। पहले होंगे हमारे यूरो कॉर्डेट्स, दूसरे होंगे हमारे सिफेलो कॉर्डेट्स, और बच्चा तीसरे होंगे हमारे वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेटा। तो हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा का एक और नाम भी है, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, तो यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डेटा और लास्ट है हमारा वर्टिब्रेटा। अब उसमें भी यूरो और सिफेलो को साथ में मिलाकर कई बार हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं, इनको कई बार साथ में मिलाकर हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। ठीक है, और ये वो एनिमल्स होंगे, यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर वो एनिमल्स मिलेंगे आपको जो कम्प्लीटली मराइन होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में रहेंगे। तो आपको कम्प्लीटली मराइन वाटर में रहने वाले जो कॉर्डेट्स मिलते हैं उन सबको हम साथ में मिलाकर सेफेलोकॉर्डेट्स बुलाते हैं। सब फाइलम दो हैं इसके अंदर, एक है आपका यूरोकॉर्डेटा यानी ट्यूनिकेटा और दूसरा है आपका सेफेलोकॉर्डेटा। और वर्टेब्रेट्स बेटा इन सबसे अलग हैं, वर्टेब्रेट्स इन सबसे अलग हैं। तो देखो यहाँ पे यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि फाइलम कॉर्डेटा को आप डिवाइड कर सकते हो इंटू थ्री सब फाइलम। क्या है ये, यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा उसी का नाम है, दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है बच्चों वर्टिब्रेटा। अब इसमें से यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा इन दोनों को साथ में मिलाकर बुलाया जाता है बच्चों प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या बुलाते हो साथ में मिलाकर, प्रोटोकॉर्डेट्स। तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा दे आर टुगेदर नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स। कैसे होते हैं ये होते हैं बच्चों एक्सक्लूसिवली मराइन। अब इसमें हम एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूरोकॉर्डेट्स को। जब भी हम यूरोकॉर्डेटा की बात करेंगे ना, तो इनकी खासियत पता है क्या है कि इनके पास नोटोकॉर्ड होती है, पर वो होती है सिर्फ और सिर्फ तब जब वो अपनी लार्वल स्टेज में होते हैं। तो इनकी लार्वल टेल में आपको नोटोकॉर्ड मिलेगी, अपार्ट फ्रॉम दैट यू वोंट बी फाइंडिंग नोटोकॉर्ड इन देम। तो यूरोकॉर्डेट्स की खासियत है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है बट ओनली एंड ओनली इन द लार्वल टेल। वहीं अगर आप बात करोगे सेफेलोकॉर्डेट्स की तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हेड से लेकर टेल तक चलती है वो पूरे रास्ते और पूरी जिंदगी रहती है, मतलब हमेशा रहती है, परसिस्टेंट रहती है, गायब नहीं होती। यहाँ पर क्या था कि लार्वा में थी, वो भी सिर्फ एनल टेल में। यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर है कि वो हेड से लेकर टेल तक भी है और पूरी जिंदगी है। ऐसा नहीं है कि लार्वा वाली स्टेज में आई, अडल्ट फॉर्म में गायब हो गई, ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो सेफेलोकॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड हमेशा रहेगी हेड से लेकर टेल तक के रीजन में, जबकि यूरोकॉर्डेट्स में ये नहीं होने वाला, सिर्फ लार्वल टेल में आपको नोटोकॉर्ड मिलेगी। सिर्फ लार्वा के केस में लार्वल टेल में आपको नोटोकॉर्ड मिलने वाली है। एग्जाम्पल्स बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल है उसका ये, जिसका नाम है एस्कीडिया, सैल्पा और डोलियोलम। तो ये जो तीन एग्जाम्पल्स हैं ये हैं यूरोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल। कौन कौन, एस्कीडिया, सैल्पा और डोलियोलम, तो ये तीनों हैं हमारे यूरोकॉर्डेट्स यानी ट्यूनिकेटा के एग्जाम्पल्स। सेफेलोकॉर्डेट्स की बात करें जिनमें नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक है और पूरी जिंदगी है, उनका एग्जाम्पल है बेटा ब्रैंकियोस्टोमा, जिसके अंदर एम्फियोक्सिस या फिर लैंसलेट आ सकता है, एम्फियोक्सिस या फिर लैंसलेट हो सकता है। ये क्या है, ये है आपका ब्रैंकियोस्टोमा। तो ये हो गए हमारे दो सब फाइलम्स, किसके, कॉर्डेटा के। कौन से दो, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा।
ध्यान क्या रखना है, नोटोकॉर्ड के बीच का डिफरेंस। अब अपन बात करें अगर तीसरे सब फाइलम की जो कि है वर्टिब्रेटा, तो इनको अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि नोटोकॉर्ड है बट एम्ब्रियोनिक पीरियड में है, मतलब जब वो एम्ब्रियो वाली कंडीशन में है, बर्थ भी नहीं हुआ है, उस टाइम पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। बड़े होते होते ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगी, इसकी जगह पर आ जाएगा बच्चों बोनी या फिर कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। तो जैसे आपको हमारी बॉडी में देखने को मिलता है वर्टिब्रल कॉलम जिसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, वही वर्टिब्रल कॉलम जब हम एम्ब्रियो वाली कंडीशन में थे तो नोटोकॉर्ड था, उसने बड़े होने के बाद अपने आप को बोनी स्ट्रक्चर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट किया है, ठीक है, कन्वर्ट किया है। तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा बाय अ कार्टिलेजिनस और अ बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट्स, इन द एडल्ट्स। तो तीनों सब फाइलम में देयर इज अ डिफरेंस इन द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड तीनों में है बट अलग अलग ड्यूरेशन में, अलग अलग लाइफ के समय पर। यूरोकॉर्डेट्स में लार्वल टेल में, सेफेलोकॉर्डेट्स में जिंदगी भर हेड से लेकर टेल तक पूरे रीजन में, और वर्टेब्रेट्स में ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द थ्री सब फाइलम। वहीं हम वर्टेब्रेट्स की बात करेंगे ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सारे वर्टेब्रेट्स कॉर्डेट्स तो होते हैं, सारे वर्टेब्रेट कॉर्डेट्स तो होते हैं, क्यों होते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है भैया, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, प्लस प्रेजेंट है फारेंजियल गिल्सलेट्स, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट है, इसीलिए ये सारे के सारे कॉर्डेट एनिमल्स तो हैं। बट अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि सारे कॉर्डेट्स वर्टेब्रेट्स होते हैं तो ये चीज एकदम गलत है, ये चीज एकदम गलत है। सारे कॉर्डेट्स वर्टेब्रेट्स बेटा कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स यूरो कॉर्डेटा को बिलोंग कर रहे हैं, कुछ सेफेलो कॉर्डेटा को बिलोंग कर रहे हैं। तो ऑल द वर्टेब्रेट्स आर 100% कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स। इस चीज को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में फिट कर लेना, कोई भी इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कॉर्डेटा अपने आप में बड़ा फाइलम है, उसका छोटा सब फाइलम है वर्टेब्रेटा। तो वर्टेब्रेटा के जो अंदर आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कॉर्डेटा के अंदर आएंगे, बट इसका उल्टा नहीं होगा, इसका उल्टा नहीं होगा। बेसिक कॉर्डेट फीचर तो इनके पास रहेगा ही रहेगा। बेसिक कॉर्डेट फीचर जब जब आए तो तीन पॉइंट्स याद रखने हैं, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस प्लस फारेंजियल गिल्सलेट्स, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बेसिक कॉर्डेट फीचर्स हैं जो सारे वर्टेब्रेट्स में होंगे। इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है इनके पास, एक्स्ट्रा क्या है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, सामने की तरफ मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होना, जिसके अंदर दो तीन या चार चेंबर्स हो सकते हैं। तो दो चेंबर्स होते हैं तो एक एट्रिया एक वेंट्रिकल होता है बच्चों, तीन चेंबर्स होते हैं तो दो एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है, और चार चेंबर्स होते हैं तो दो एट्रियम होते हैं और नीचे की तरफ दो वेंट्रिकल्स भी होते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन अगर आपको दिखे तो ये टू चेंबर्ड हार्ट है, ये थ्री और ये फोर चेंबर्ड हार्ट होगा। अब अगर बात करूंगी मैं नेक्स्ट, तो आपको इनके पास एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन दिखेगी उसको मैं किडनी बुलाने वाली हूँ। सो किडनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो किडनी दोनों काम करेगी यहाँ पर, एक्सक्रीशन का भी और ऑस्मो रेगुलेशन का भी, ठीक है, एक्सक्रीशन का भी और ऑस्मो रेगुलेशन का भी। प्लस इनके पास आपको कुछ पेयर्ड अपेंडेजेस दिखेंगे, पेयर्ड अपेंडेजेस दिखेंगे, जैसे इनके पास लिम्स हो सकते हैं या फिर इनके पास फिन्स हो सकते हैं। तो लिम्स या फिन्स टाइप के आपको पेयर्ड अपेंडेजेस मिलने वाले हैं। अब वर्टेब्रेटा में ना बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए सब फाइलम वर्टेब्रेटा अगेन डिवाइडेड है, सब फाइलम वर्टेब्रेटा अगेन डिवाइडेड है। तो ये याद रखना, सब फाइलम है वर्टेब्रेटा, फाइलम का नाम कॉर्डेटा था, फाइलम का नाम कॉर्डेटा था। तो बच्चों इसी तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में तुम गलती कर जाते हो, पूछेंगे तुमसे कि किसको बिलोंग करता है फ्रॉग, उसके सब फाइलम का नाम बताओ, तो वो वर्टेब्रेटा है, उसके फाइलम का नाम बताओ तो वो कॉर्डेटा है, तुम मिक्स कर देते हो, तुम भूल ही जाते हो अलग अलग चीजें। तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है, ये चीज नहीं करनी है। सब फाइलम वर्टेब्रेटा को मैं अगेन डिवाइड कर रही हूं, तो इसके दो डिविजन है, दो डिविजन है। पहला डिविजन है बेटा एग्नाथा, एग्नाथा, एग्नाथा मीन्स विदाउट द जॉ। तो जिनके पास भी जॉ नहीं है, जॉलेस हैं, उनको हम रखेंगे एग्नाथा में। और इसके अंदर बेटा एक ही क्लास आती है जिस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा। तो आप देखोगे एग्नाथा के अंदर एक सिंगल क्लास है साइक्लोस्टोमाटा, जिसके अंदर आएंगे जॉलेस वर्टिब्रेट्स, जिसके अंदर आएंगे जॉलेस वर्टिब्रेट्स। दूसरी तरफ जो दूसरा डिविजन है वो है ग्नाथोस्टोमाटा, दूसरा डिवीजन का नाम है ग्नाथोस्टोमाटा, दैट मींस हैविंग अ जॉ। तो जिनके पास भी जॉ है उनको मैं अगेन दो सुपर क्लासेस में डिवाइड कर रही हूं, अगेन दो सुपर क्लासेस में डिवाइड कर रही हूं। एक सुपर क्लास का नाम है बच्चा पाइसेस,
और दूसरी सुपर क्लास का नाम है टेट्रापोडा, दूसरी का नाम है टेट्रापोडा। तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये पाइसेस एक सुपर क्लास है और टेट्रापोडा भी एक सुपर क्लास है, सुपर क्लास, ठीक है। सुपर क्लास पाइसेस में वो मिलेंगे आपको जिनके पास फिन्स होंगे। अगेन इसको मैं दो क्लासेस में डिवाइड करूंगी। पहली क्लास है मेरी कार्टिलेजिनस फिशेस वाली, जिसे मैं कहती हूँ कॉन्ड्रियाक्थिस, और दूसरी है मेरी बोनी फिशेस वाली, जिसे मैं कहती हूँ ऑस्टियाक्थिस। क्या बात हो रही है? बात हो रही है कि सब फाइलम वर्टेब्रेटा को बांट दिया बच्चों, बांट दिया एग्नाथा और ग्नाथा वालों में। तो जिनके पास ग्नाथा था, मतलब जॉ था, उनको हमने कहा ग्नाथोस्टोमाटा है वो। और इसको हमने बांटा दो सुपर क्लास में, एक हुई हमारी सुपर क्लास पाइसेस, दूसरी हुई हमारी सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास पाइसेस के अंदर मैंने दो क्लास डाली, एक डाली कार्टिलेजिनस फिश वाली कॉन्ड्रियाक्थिस, दूसरी डाली बोनी फिश वाली ऑस्टियाक्थिस। और इन दोनों के पास ही फिन्स होंगे, क्योंकि पाइसेस के पास फिन्स होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी टेट्रापोडा के, तो टेट्रापोडा में वो एनिमल्स आएंगे जिनके पास क्या है, जिनके पास प्रेजेंट है लिम्स। तो जिनके पास भी लिम्स है वो आपको मिलेंगे टेट्रापोडा में। इसमें मिलेंगी बच्चों चार क्लासेस, चार क्लासेस। पहली क्लास का नाम है एम्फीबिया, जिसमें आएंगे वो एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, जैसे मेंढक। दूसरे हैं रेप्टाइल्स, जैसे कि सांप। तीसरे में आएंगे एव्स, यानी कि आपकी सारी चिड़ियाएं, यानी बर्ड्स। और चौथे में आएंगे बच्चों आपके सारे मैमल्स, चौथे में आएंगे आपके सारे मैमल्स, विच मीन्स जो क्लास मैमलिया है वो इसकी सबसे एडवांस्ड क्लास है, वो इसकी सबसे एडवांस्ड क्लास है। और सारे एडवांस टाइप के एनिमल्स आपको इस क्लास मैमलिया में मिलने वाले हैं। सो आई होप कि हमें सब फाइलम वर्टेब्रेटा का डिविजन समझ आ गया होगा। अब हमने ये समझ लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्दर क्लासिफिकेशन। और इसमें हम बच्चों पढ़ेंगे कि करके हमारी सारी क्लासेस। पहली क्लास जो हमको पढ़नी है वो है क्लास साइक्लोस्टोमाटा, जो बिलोंग करती है एग्नाथा को, ठीक है, सुपर क्लास एग्नाथा को। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स आपको मिलेंगे, जितने भी लिविंग मेंबर्स आपको मिलेंगे, वो सारे के सारे बेटा एक्टोपैरासाइट हैं किसी ना किसी फिश के ऊपर। मतलब ये दूसरी फिश की बॉडी के ऊपर जीते हैं, उसकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। खुद के लिए कोई दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन नहीं कर सकते, सिंपल फूड डायरेक्टली एक दूसरी फिश से चुरा रहे हैं। इनकी बॉडी आप देखोगे तो लंबी होगी, इलोंगेटेड, और इनके पास 6 से लेकर 15 के बीच में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। ये गिल स्लिट्स हेल्प करेंगे इनको रेस्पिरेशन करने में। तो रेस्पिरेशन, अगेन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन लेना, उसकी हेल्प से फूड का ब्रेकडाउन कराकर एनर्जी डिराइव करना, तो उस चीज में इनकी हेल्प करने वाले हैं गिल स्लिट्स। इसी की हेल्प से इनके पास ऑक्सीजन जाएगी। साइक्लोस्टोम्स को अगर आप देखोगे ना, तो आपको इनके पास जो माउथ दिखेगा, माउथ दिखेगा, उसमें आपको कोई जॉ नहीं मिलेगा, बट इनका माउथ सकिंग टाइप का होगा और इनका माउथ सर्क्यूलर होगा। तो सर्क्यूलर सकिंग माउथ आपको इनमें दिखने वाला है। देखो बॉडी को, देखो बॉडी को देखोगे तो क्या दिखेगा, बॉडी को देखोगे तो दिखेगा कि आपको इनके पास कोई स्केल्स नहीं है, तो कोई भी स्केल्स वगैरह बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। प्लस अगर आप इनके फिन्स को देखोगे तो वो भी आपको अकेले अकेले दिख रहे हैं, पेयर्ड नहीं है। तो ना इनके पास कोई स्केल्स होते हैं, ना ही इनके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं, ना ही इनके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं। प्लस अगर आप इनके क्रेनियम की बात करें या वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, तो दोनों ही कार्टिलेज के बने हैं, दोनों ही कार्टिलेज के बने हैं, तो आपको बोन नहीं दिख रही। क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स भी आपको कार्टिलेज का बना दिखेगा, प्लस जो पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम है वो भी आपको कार्टिलेजिनस दिखने वाला है, उसमें भी कार्टिलेजिनस सिस्टम प्रेजेंट होगा। सर्कुलेशन बेटा ऑब्वियसली क्लोज्ड टाइप का है, तो बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, उसी में ब्लड फ्लो करेगा। आप इनको देखोगे ना, तो इनकी एक खासियत और है। क्या खासियत है? कि ये होते हैं कंप्लीटली मराइन, कंप्लीटली मराइन, बट अंडे देने के लिए, स्पॉर्मिंग करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? स्पॉर्मिंग करने के लिए चले जाते हैं फ्रेश वाटर में। तो अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में चले जाएंगे, लार्वा फ्रेश वाटर से होता हुआ फिर वापस से मराइन वाटर में आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर कि इनकी ये खासियत है कि ये मराइन वाटर में रहते हैं, बट स्पॉनिंग करने के लिए, यानी अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। अंडे देने के कुछ दिन बाद ये मर जाएंगी। उसके बाद आप देखोगे कि इनका लार्वा अपने आप को चेंज करेगा, मेटामॉर्फोस करेगा, अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एंड अपॉन कन्वर्जन टू अडल्ट फॉर्म इट विल रिटर्न बैक टू द ओशन, इट विल बी रिटर्निंग बैक टू द ओशन। तो ये इनकी खासियत है कि दे आर लिविंग इन मराइन वाटर, बट वेन दे वॉन्ट टू ले एग्स, वेन दे वॉन्ट टू डू स्पॉनिंग, दिल गो टू फ्रेश वाटर्स। इन फ्रेश वाटर दे ले देयर एग, वहीं पे उनका लार्वा बनेगा,
लार्वा अपने आप को फ्रेश वाटर में चेंज करेगा, अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू द एडल्ट फॉर्म, एंड एज सून एज इट गेट्स कन्वर्टेड इट विल रिटर्न बैक टू द ओशन. उसको फिर उसके बाद फ्रेश वाटर में नहीं रहना है, उसको वापस मराइन वाटर में आना होगा. इसके एग्जाम्पल्स कौन है? एक तो यही है बच्चों हमारी पेट्रोमाइजन, और दूसरा है हमारा, मतलब पेट्रोमाइजन को हम लैम्प्रे भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा मिक्सिन यानी कि हैगफिश. ठीक है, मिक्सिन यानी कि हैगफिश. तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास, दैट वॉज साइक्लोस्टोमाटा. मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्लास, ये है हमारी कॉन्ड्रियाक्थिस. कॉन्ड्रियाक्थिस यानी कि द क्लास which belongs to superclass Pisces and is having cartilaginous fishes. ठीक है, it belongs to superclass Pisces and is having cartilaginous fishes. तो इनको हम यही कहते हैं कि ये सब के सब marine water में रहते हैं. They are marine animals with streamlined body and having a cartilaginous endoskeleton. तो आपको cartilage का बना हुआ skeletal system अंदर मिलेगा, plus इनकी body streamlined है, मतलब tapering at the ends है, ब्रॉडर एट द सेंटर है. माउथ इनका बच्चों वेंट्रल साइड पे होगा, तो आप यहाँ नीचे की तरफ इनमें माउथ देखोगे, नीचे की तरफ इनका आप माउथ देखोगे. नोटोकॉट इनमें पूरी जिंदगी रहेगी, सो इट इज गोइंग टू परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ. तो इनमें आपको नोटोकॉट पूरी जिंदगी मिलने वाली है. ठीक है, परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ. गिल स्लिट्स जो है वो सेपरेट है, तो गिल स्लिट्स आपको सेपरेटेड मिलेंगे, और गिल स्लिट्स को कवर करने वाला ऑपरक्यूलम आपको नहीं मिलेगा. तो कोई भी गिल कवर नहीं होगा, कोई भी गिल कवर यानी ऑपरक्यूलम नहीं होगा. स्किन इनकी टफ होगी, और छोटे 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 स्केल्स होंगे जिन्हें आप कहते हो प्लैकोइड स्केल्स, जिन्हें आप बुलाते हो प्लैकोइड स्केल्स. यही प्लैकोइड स्केल्स इनमें बाद में टीथ बना लेंगे, यही प्लैकोइड स्केल्स इनमें बाद में टीथ बना लेंगे. तो आप देखो माउथ यहाँ पर है वेंट्रल साइड पे, नोटोकॉर्ड जो है वो पूरी जिंदगी प्रेजेंट रहने वाली है, प्लस छोटे छोटे प्लैकोइड स्केल्स हैं. उन्हीं प्लैकोइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से इनके में टीथ भी बनेंगे, इनके में टीथ भी बनेंगे. अब इनकी मैं बात करूंगी ना फर्दर, तो आप देखोगे कि प्लैकोइड स्केल्स पीछे की तरफ जो मॉडिफाइड होते हैं वो टीथ बनाते हैं. इनके जो जॉज होंगे वो बहुत पावरफुल होंगे, तो इनके जॉज के पकड़ से बचना काफ़ी मुश्किल होता है. तो शार्क्स इसी को बिलोंग करती हैं, एंड माइंड यू शार्क के अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती. शार्क इज अ कार्टिलेजिनस फिश विच बिलोंग्स टू क्लास Chondriacthis in the superclass Pisces, okay, in the superclass Pisces, belonging to Gnathostomata and subphylum Vertebrata. ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है. ये animals predaceous होते हैं, मतलब दूसरे animals को kill करके खाते हैं, prey करते हैं उनके ऊपर. Air bladder बेटा इनके पास completely absent है, भयंकर important है ये. किसी के पास अगर एयर ब्लैडर है तो अपने आप को छोड़ सकता है पानी में, और फिर भी वो स्विम करता रहेगा. जिनके पास एयर ब्लैडर नहीं है उनको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है, अदरवाइज दे विल सिंक, अदरवाइज दे विल सिंक. तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग. तो शार्क्स को भी आप देखना पूरे टाइम पानी में मूव होंगी, अदरवाइज डूब जाएंगी. अब हम बात करेंगे इनके हार्ट की. तो इनका हार्ट होता है बेटा टू चेम्बर्ड, इनका हार्ट होता है टू चेम्बर्ड. एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल आपको इनके हार्ट में मिलेगा, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल आपको इनके हार्ट में मिलेगा. तो ओरिकल ऊपर वाला चेम्बर है, वेंट्रिकल नीचे वाला चेम्बर है. कुछ ऐसी फिशेज मिलेंगी आपको जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होती हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. इन फिशेज में एग्जाम्पल है टॉर्पीडो, और कुछ ऐसी मिलेंगी जिनमें पॉइजनस स्टिंग होती है, पॉइजनस स्टिंग जिसे हम कहते हैं ट्राइगन यानी कि स्टिंग रे. तो आपको इलेक्ट्रिक रे यानी टॉर्पीडो और स्टिंग रे यानी कि ट्राइगन इसी के मेंबर्स हैं, ये याद रखना है. अब इनकी बात करेंगे हम, पाइसेस हैं मछलियाँ, तो ये बेटा कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते. इसीलिए आपने देखा होगा एक्वेरियम्स में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेटर्स लगाते हैं, अदरवाइज मछली मर जाएगी. तो ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं, पोइकिलोथर्म्स मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इन द सेंस वो एनिमल्स जिनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते नहीं आए. बाहर ठंडी तो ये भी ठंडे पड़ जाएंगे, बाहर गर्मी तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा. हमारे में क्या होता है, हम वार्म ब्लडेड हैं, हमारा इंटरनल टेम्परेचर 37 ही रहता है, नो मैटर बाहर कितनी भी गर्मी कितनी भी ठंड क्यों ना हो, हम अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. ये लोग अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते. सेक्सेस आप इनमें देखोगे तो सेपरेट मिलेंगे, मतलब डायोशियस हैं ये लोग. और उसमें भी पहचानने का बढ़िया तरीका ये है कि जो मेल्स हैं उनमें आपको पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर्स मिलेंगे. क्लैस्पर्स इनको फीमेल बॉडी से अटैच करने में हेल्प करते हैं. तो मेल्स में आपको पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर्स मिलेंगे.
फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगी, इसीलिए मेल गैमेट को फीमेल बॉडी तक पहुंचाना पड़ेगा, जिसमें एक क्लास्पर्स अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। और आप देखोगे कि ये कैसे हैं, विवीपेरेस हैं। विवीपेरेस है मतलब डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देंगे, डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देंगे। तो अगर अंडे नहीं दे रहे हैं तो हम इन्हें इसीलिए विवीपेरेस बुला रहे हैं, विवीपेरेस बुला रहे हैं। एग्जाम्पल्स बच्चों, स्कोलोडियन यानी डॉग फिश, प्रिस्टिस यानी सॉ फिश, और आपकी कैर चोर डॉन यानी कि आपकी ग्रेट वाइट शार्क, प्लस आपकी ट्राइगोन यानी स्टिंगरे, और टॉर्पीडो टॉर्पीडो यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक रे, ठीक है, ये भी इसी के मेंबर्स हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ग्रेट वाइट शार्क इसी को बिलोंग करती है, ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। तो ये स्कोलोडियन है और ये है प्रिस्टिस, ठीक है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं, कार्टिलेजनस फिशेस के, मतलब कॉन्ट्रैक्टस को बिलोंग करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास को। नेक्स्ट क्लास है हमारी बेटा ऑस्टियाक्टिस। ऑस्टियाक्टिस, ऑस्टियाक्टिस यानी वो जिनके पास बोन्स हैं, यानी बोनी फिशेस। तो ये मराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में रहेंगी। इनके पास जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना है, और साथ साथ में इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड है। माउथ आपको इनका वेंट्रली नहीं मिलेगा, वेंट्रली नहीं मिलेगा, माउथ आपको मिलेगा टर्मिनल। तो एकदम टिप पे मिलने वाला इनका माउथ, माउथ होता है बच्चों इनका टर्मिनल। तो यहाँ से आप देख सकते हो इनके पास टर्मिनल माउथ प्रेजेंट है, टर्मिनल माउथ प्रेजेंट है। प्लस इनके पास चार पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, चार पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, और हर गिल्स के ऊपर जो पेयर्स हैं उनके ऊपर प्रेजेंट है ओपरक्यूलम यानी कवर, गिल कवर। तो आपको ओपरक्यूलम यानी गिल कवर मिलेगा, और चार गिल्स, चार पेयर में गिल्स इनके पास प्रेजेंट होंगे। इनके पास जो स्केल्स हैं उनको हम कहते हैं साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड स्केल्स। वहां पर क्या थे, माइन्यूट प्लैकोइड स्केल्स थे, या साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड टाइप के स्केल्स हैं। इनके पास बच्चों एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जिसके कारण इनकी बायंसी मेंटेन रहती है और ये फ्लोट कर पाते हैं। हार्ट इनका भी टू चेंबर्ड है बच्चा, और ये भी कोल्ड ब्लडेड है। इनके पास भी ऑक्सीजन रिच और CO2 रिच ब्लड सेपरेटली नहीं रह पाता, ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट है, पर ये फर्टिलाइजेशन यूजुअली पानी में करते हैं। सो फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल इन वाटर। ये जनरली अंडे देते हैं, तो मोस्ट ऑफ दी फिशेज इसमें अंडे देंगी, और इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा कि अंडे से जो फिश निकलेगी वो वैसे ही दिखेगी भाई जैसा उनका मम्मी पापा दिखता था, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही दिखेंगी। अब एग्जाम्पल्स इसमें देखो दो तरीके से याद करने हैं, मराइन फिशेस अलग से याद करनी है बच्चा, फ्रेश वाटर फिशेस अलग से याद करनी है, प्लस जो एक्वेरियम में रहती हैं उनको अलग से याद करना है, ठीक है, उनको अलग से याद करना है। तो देखो मराइन फिशेस के अंदर आएगी फ्लाइंग फिश यानी एक्सोसिटिस, फिर इसके अंदर आएगा सी हॉर्स यानी कि हिप्पोकैम्पस। तो एक्सोसिटिस और सी हॉर्स दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं मराइन फिशेस को, और मतलब दोनों मराइन टाइप की फिशेस हैं और बिलोंग करती हैं टू द क्लास ऑस्टियाक्टिस, टू द क्लास ऑस्टियाक्टिस। फ्रेश वाटर फिश की बात करूंगी मैं, तो इसमें आएगा बेटा लेबियो यानी रोहू, कतला यानी कटला, क्लैरियस यानी मगूर, ठीक है। तो तीन आएंगी, लेबियो, कतला और क्लैरियस। लेबियो का नाम रोहू है, कतला का नाम कटला है, और मगूर का नाम है क्लैरियस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो एक्वेरियम में मिलेगी वो आपको मिलेगी बेटा यानी फाइटिंग फिश, साथ में आपको मिलेगा पेट्रोफिल्म यानी कि आपका एंजल फिश। तो ये वो फिशेज हैं जिनके सबके पास बोनी स्केलेटन है, साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड टाइप के स्केल्स हैं, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, बायंसी देता है, एंड साथ साथ में इनके पास सिक्स पेयर्स ऑफ गिल्स हैं विथ एन ओपरक्यूलम। तो इतनी चीज़ें अगर आपने इसमें ध्यान रख ली तो आपके कोई भी क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू सुपर क्लास स्पाइसेस गलत नहीं होंगे, ठीक है, गलत नहीं होंगे। सो आई होप एवरी वन हैज अंडरस्टूड एवरी थिंग अप टिल दिस पॉइंट। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है बच्चा तो बिल्कुल बताओ, आई विल गिव यू अ मिनट और टू। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्टी, कुछ भी वर्ड समझ नहीं आया हो अगर, सो प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई लुक इट थ्रू इट एंड रिप्लाई इट टू यू, ठीक है। तो बिल्कुल उस पर लिखा करो, और अगर सब कुछ समझ आ गया हो तो फिर आगे बढ़ना, और आगे बढ़ के पढ़ लेना मेरे साथ एम्फीबिया, ठीक है। चलो देखो एम्फीबिया की बात करेंगे बच्चों, पनगर एम्फीबिया की। तो एम्फीबिया होता है हमारा ड्यूअल लाइफ वाले ऑर्गेनिज्म। तो एम्फिया का मतलब ही होता है, एम्फी का मतलब ड्यूअल, बायो का मतलब लाइफ। तो एम्फीबियंस वो होते हैं जो दो जगह पे रहना चाहते हैं, पानी में भी और लैंड पे भी।
इन सबके पास आप देखोगे टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। तो देखो हाइंड लिम्स और फोर लिम्स, हाइंड लिम्स और फोर लिम्स, तो दो पेयर ऑफ लिम्स हैं। बॉडी इनकी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, तो बॉडी में आपको हेड और ट्रंक वाला पोर्शन दिखेगा, हेड और ट्रंक वाला पोर्शन दिखेगा। कुछ में टेल हो सकती है जैसे दिख रही है, कुछ में टेल नहीं होगी। इनकी स्किन अगर आप देखोगे तो मॉइस्ट होगी और उस पर कोई भी स्केल्स आपको नहीं दिखेंगे। आईज़ जो है उनकी, उसके पास आईलिड होंगी, तो आईज़ के ऊपर आईलिड हैं जैसे हमारे पास होती हैं। ईयर के नाम पे बेटा इनके पास टिम्पैनम है, ईयर के नाम पे इनके पास टिम्पैनम है, तो टिम्पैनम वाली जगह से चीज़ों के वाइब्रेशंस को समझते हैं। अब हम इनके सिस्टम्स की बात करें तो आप देखोगे इनमें की जो एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी ट्रैक्ट है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये तीनों एक ही चेंबर में ओपन होते हैं, एक ही चेंबर में ओपन होते हैं। इस चेंबर को हम कहते हैं क्लोका, इसको हम कहते हैं क्लोका, और ये जो क्लोका है ये फिर बाहर जाकर ओपन होता है। तो तीनों अपने सिक्रीशंस एक सिंगल चेंबर में डाल रहे हैं क्लोएका नाम के, और यही फिर एक्सटीरियर सरफेस पे ओपन होगा। तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सबकी एक कॉमन ओपनिंग है, ठीक है, क्लोका के हेल्प से। तो क्लोका एक चेंबर है जो बाहर जाकर ओपन होने वाला है। रेस्पिरेशन बच्चों कुछ में गिल्स की हेल्प से होंगी, लंग्स की हेल्प से होंगी और मॉइस्ट स्किन के हेल्प से भी होंगी। तो जैसे आप फ्रॉग को ही देख लो, फ्रॉग जब अपने लार्वा वाले फॉर्म में होता है, टैटपोल वाले फॉर्म में, तो उसके पास गिल्स होते हैं। अडल्ट हो जाता है तो वो अपने पास लंग्स ले आता है और फिर लंग्स और स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन करता है। हार्ट आपको इनमें थ्री चेंबर्ड मिलेगा, मतलब अगेन इनकी बॉडी में भी ब्लड सेपरेट नहीं रह पाएगा। तो जब तक फोर चेंबर्ड हार्ट नहीं मिलेगा आपको, तब तक ब्लड की मिक्सिंग होती रहेगी बच्चा, और ब्लड की मिक्सिंग होती रहेगी इसका मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए इनको आप कहोगे कोल्ड ब्लडेड। बाहर गर्मी बॉडी गर्म, बाहर ठंडी बॉडी ठंडी। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन बाहर है, पानी में फर्टिलाइजेशन करते हैं, यही रीज़न है कि इनको पानी की ज़रूरत है, इसीलिए हम इनको एम्फीबियंस बुलाते हैं। बिना पानी के इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूंगी ना, तो आप देखोगे कि ये ओवी पैरस है, ओवी पैरस है मतलब अंडे देंगे, और वो अंडे से पहले बेटा लार्वा बनेगा, और फिर वो लार्वा अपने आप को बाद में ले जाकर अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो लार्वा और अडल्ट काफ़ी अलग अलग दिखेंगे, ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा बूफू जिसको हम टोट कहते हैं, राना जिसे हम फ्रॉक कहते हैं, हाइला जिसे हम ट्री फ्रॉक कहते हैं, और सैलेमेंड्रा जिसे हम सैलेमेंडर कहते हैं। इसके अलावा बच्चों आपको यहाँ पर मिलेगा एक थियोफिस जो होता है एक लिम्बलेस एम्फीबियन, जो होता है एक लिम्बलेस एम्फीबियन। अभी तक हम दो लिम्स की बात कर रहे थे, एक थियोफिस को लेकिन हम लिम्बलेस एम्फीबियन बुलाते हैं। ओके, सो आई होप हमें हमारा क्लास एम्फीबिया समझ आ गया होगा। तो अगर हमारे कुछ चीज़ें क्लास एम्फीबिया तक क्लियर हैं तो प्लीज़ मुझे बताओ, अगर हमें यहाँ तक कोई भी डाउट है तो फिर आप इस चीज़ को यहाँ पॉज करके कमेंट सेक्शन में पहले अपने डाउट्स लिख दो, उसके बाद ही आप इस वीडियो को आगे फर्दर वॉच करना, ठीक है। तो पहले अच्छे से इत्मीनान से चैन से इसको यहाँ तक पढ़ो, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे बताओ। चलो बेटा, अब अगर यहाँ तक पक्का क्लियर है, सारे डाउट्स कमेंट में लिख चुके हो, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं और मूव ऑन करते हैं टू आर नेक्स्ट क्लास, दैट इज रेप्टीलिया। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है बच्चों, ये है रेप्टीलिया। अब रेप्टीलिया क्या होता है, देखो रेप्टीलिया से हम ये समझते हैं कि ये वो एनिमल्स हैं जो क्रीप करेंगे, क्रॉल करेंगे, जमीन पे बेसिकली रेंगेंगे। तो जो भी क्रीपिंग टाइप का या क्रॉलिंग टाइप का लोकोमोशन फॉलो करते हैं उन्हें हम रेप्टीलिया में काउंट करते हैं। तो लैटिन वर्ड से मिला है ये वर्ड आपको रेप्टम, जिसका मतलब होता है टू क्रीप और टू क्रॉल। ये ज्यादातर आपको लैंड पे रहते हुए मिलेंगे, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल। इनकी बॉडी पे आप देखोगे तो ड्राई सी स्किन होगी जो काफी कॉर्निफाइड भी हो सकती है, तो ड्राई कॉर्निफाइड टाइप की स्किन मिलेंगी, प्लस आपको स्किन के ऊपर बहुत सारे स्केल्स या फिर स्काउट्स भी मिल सकते हैं। तो सांप आपने देखा है, आप बिल्कुल इसको इमेजिन कर सकते हो कि ये कैसे दिखते हैं। इनके पास भी बेटा कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, तो इनके पास कोई कान जैसी चीज़ या कोई ओपनिंग ओपनिंग नहीं है। वहाँ हमने टिम्पैनम की बात की, यहाँ पर हमें फिर से देखने को मिलेगा कि टिम्पैनम ही है, कोई ओपनिंग नहीं है हमारी तरह, कोई ओपनिंग नहीं है हमारी तरह। तो इनके भी ईयर को टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करेगा।
लिम्स अगर होंगे तो दो पेयर्स में होंगे, वरना एब्सेंट रह सकते हैं, वरना एब्सेंट रह सकते हैं। तो हम सब ने छिपकली देखी होगी घर में दीवारों पर, है ना। छिपकली के हमें चार पैर दिखते हैं, तो छिपकली के पास ऐसे हमको चार पेयर ऑफ मतलब चार लेग्स दिख सकते हैं, दो हैंड लिम्ब, दो फोर लिम्ब, ठीक है। हार्ट कैसा है, थ्री चेम्बर्ड है, बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो है क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल अपने आप में एक रिप्टाइल है बट विद अ फोर चेम्बर्ड हार्ट। तो क्रोकोडाइल का हार्ट ह्यूमन हार्ट की तरह फोर चेम्बर्ड होता है, मतलब इसका हार्ट मैमल्स की तरह होता है, जबकि ये क्या है, ये एक रिप्टाइल है। तो रेप्टाइल्स बेटा होते हैं पोइकिलोथर्म्स, यानी अगेन कोल्ड ब्लडेड। तो रेप्टाइल्स आपको कोल्ड ब्लडेड मिलेंगे, बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस आपको नहीं दिखेगा, थ्री चेम्बर्ड हार्ट इसके पीछे का रीजन है। स्नेक्स और लिजार्ड क्या करते हैं, अपनी जो स्किन है उसको शेड कर देते हैं, हमने देखा होगा अपनी स्किन को शेड करके आगे चल देते हैं, फिर नई बनती है। तो इनमें आपको देखने को मिलेगा कि अपने स्केल्स को स्किन कास्ट की तरह शेड करके चले जाते हैं। सेक्सेस अगेन बेटा यहाँ सेपरेट है, लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल बॉडी के अंदर, फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल बॉडी के अंदर, ले करेंगे ये लोग एग्स और डेवलपमेंट इनका डायरेक्टली हो जाएगा। तो एग टू अडल्ट डायरेक्टली कन्वर्जन होगा, बीच में ओला नहीं बनेगा, मतलब लार्वल फॉर्म नहीं आएगा। वहाँ क्या होता था, अंडा दिया, लार्वा बना, फिर अडल्ट बना, तो उधर हम ओला ओला देखते थे, यहाँ लेकिन डायरेक्टली हमको अडल्ट बनता हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल्स याद करेंगे बेटा अपन, एग्जाम्पल है चिलोन जिसको हम टर्टल नाम से बुलाते हैं, टेस्ट्यूडो जिसको हम टॉटोइस नाम से बुलाते हैं, कैमिलियन जिसको हम ट्री लिजार्ड बुलाते हैं, कैलोट्स जिसको हम गार्डन लिजार्ड बुलाते हैं, क्रोकोडिलिस जिसे हम क्रोकोडाइल बुलाते हैं, एलिगेटर जिसे हम एलिगेटर ही बुलाते हैं, हेमिडेक्टाइलिस यानी कि आपकी वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक्स के अंदर आता है नाजा यानी कि कोबरा, बैंगेरिस यानी क्रेत, और विप्रा यानी वाइपर। तो ये सारे के सारे आपके रेप्टाइल्स हैं, आपको इनके कॉमन नेम और इनके जूलॉजिकल नेम बहुत बहुत अच्छे से मेमोराइज करने हैं, बिकॉज आप देख चुके हो जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इन्हीं चीज़ों को मैच करने अक्सर पूछा जाता है, इन्हीं चीज़ों को मैच करने अक्सर पूछा जाता है। तो देखो ये है आपका कैमिलियन, ये है आपका क्रोकोडिलिस, चिलोन, और ये है आपका नाजा। तो आप देख सकते हो चार का डायग्राम भी बुक में बना हुआ है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, विच इज क्लास एव्स, ठीक है, विच इज क्लास एव्स। और देखते देखते हम एनिमल किंगडम के एंड पर आ गए, बिकॉज एव्स के बाद हमारे पास एक ही क्लास बची है, वो है मैमलिया। तो उसी जोश और जज्बे के साथ पढ़ लेते हैं क्लास एव्स को। देखो एव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि एव्स सारी चिड़ियाएं हैं, चिड़ियाएं हैं मतलब फेदर्स होंगे, और मोस्ट ऑफ देम उड़ पाएंगी। जो चिड़िया उड़ नहीं पाएगी वो इसमें एक्सेप्शनल है, जो है हमारी फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच उड़ेगी नहीं, बाकी चिड़ियाँ यूजुअली उड़ती रहती हैं। इन सब के पास आपको चोच यानी बीक मिलती है बेटा, चोच यानी बीक मिलती है। इनके जो आगे के लिम्स थे उनने अपने आप को विंग्स में कन्वर्ट कर लिया है, उसी की हेल्प से ये उड़ते हैं। पीछे के जो लिम्स हैं हाइंड लिम्स, उनमें स्केल्स होते हैं और उसकी हेल्प से ये वॉक करती हैं, ठीक है, उसी की हेल्प से ट्री पर क्लैस्प करती हैं, और उसी की हेल्प से कई बार ये स्विम भी करती हैं। तो आपने सारी चीज़ें देखी होंगी। स्किन इनकी ड्राई होती है बच्चों, स्किन में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहता, सिर्फ एक ही ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, वो रहता है बेस ऑफ द टेल में। तो इनके पास आपको एक ही ग्लैंड देखने को मिलेगा, वो भी बेस ऑफ द टेल में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑयल ग्लैंड है, बेस ऑफ द टेल में प्रेजेंट है, बाकी पूरी स्किन में कोई भी ग्लैंड आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। स्केलेटन पूरा अंदर है, पूरा का पूरा बोन से बना हुआ है। जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं इनकी बॉडी की, वो अंदर से एम्प्टी होती हैं, यानी हॉलो होती हैं, उसमें एयर स्पेस फिल्ड रहता है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करोगे इनके, तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो एक्स्ट्रा चेम्बर्स देखने को मिलेंगे, एक है क्रॉप और एक है गिजार्ड। तो आपको इनमें एडिशनल चेम्बर्स मिलेंगे क्रॉप और गिजार्ड नाम के। ये क्रॉप और गिजार्ड इनके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पूछे हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे, सारी चीज़ें पिछले सालों में पूछ चुके हैं। अब देखो हार्ट इनका बेटा फोर चेम्बर्ड होता है, फोर चेम्बर्ड होता है मतलब ये वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है मतलब ये होमियोथर्मस है, विच मीन्स दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये वार्म ब्लडेड है, होमियोथर्म्स है, इसीलिए इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन कर पाते हैं। नो मैटर बाहर 50 डिग्री हो, नो मैटर बाहर -10 डिग्री हो, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते इनको आता है। तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, ये CO2 और O2 का ब्लड मिक्स नहीं होता, ऑक्सीजन रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है, हेंस द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज पॉसिबल। रेस्पिरेशन आप इनमें देखोगे तो ये लैंड पे रहते हैं, लंग्स की हेल्प से करते हैं।
एयर सैक्स लंग से कनेक्टेड रहती है ताकि सप्लीमेंट कर सके, मतलब हेल्प कर सके रेस्पिरेशन में. तो लंग्स के साथ साथ कुछ एयर सैक्स भी इनकी रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी. सेक्सेस इनमें भी सेपरेट हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन इनमें भी बॉडी के अंदर होता है, ये भी अंडे देते हैं, डेवलपमेंट इनका भी डायरेक्ट है. मतलब ये फीचर्स इनके पूरे पूरे रेप्टाइल्स जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं. अब इनके एग्जाम्पल्स हम याद कर लेते हैं. तो क्रोवस यानी क्रो, कुलुम्बो यानी पिजन, स्टिपिस्टिक्यूला यानी पैरट, स्ट्रुथियो यानी कि ऑस्ट्रिच, पावो यानी कि पीकॉक, एप्टिंडोडाइटिस यानी पेंगुइन और नियोफ्रॉन यानी वल्चर. तो काफ़ी डिफिकल्ट से ट्रिकी से नाम है, ठीक है. प्रोनंसिएशन बिल्कुल गलत हो सकता है मेरा, तो तुम लोग अपने हिसाब से याद रख लेना जैसे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वाइवा तो देना नहीं है, गोले 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 भरने, ठीक है. तो करेक्ट आंसर ढूंढिए गोले भरने, इसीलिए तुम तो जिस तरह से भी याद रख सको, नाम बस याद रख लेना. चलो ये हैं कुछ फिगर्स बेटा. ये है आपकी नियोफ्रिन, ये है आपकी स्ट्रुथियो, ये है आपका पिस्टिलैक्यूला और ये है आपका पैगो. तो इनके कॉमन नेम्स कितने अच्छे हैं ना, और इनके बायोलॉजिकल नेम्स वो कितने डरावने. चलो अब मूव करते हैं टू द लास्ट क्लास विच इज क्लास मैमिलिया. तो अब हम फाइनली लास्ट क्लास पे आ गए हैं विच इज मैमिलिया. मैमल्स कैसे होते हैं, अगेन बहुत वैरायटी में आपको मिलेंगे, देयर इज अ ट्रिमेंडस ह्यूज वैरायटी. अलग अलग हैबिटेट्स में रहेंगे, राइट फ्रॉम पोलर आइस कैप्स टू डेजर्ट्स टू माउंटेन्स टू फॉरेस्ट टू ग्रासलैंड्स एंड टू डार्क केव्स. हर जगह आपको कोई ना कोई मैमल रहता हुआ मिल जाएगा. इनने अपने आप को अडॉप्ट कर रखा है सो दैट दे कैन फ्लाई और दे कैन लिव इन वाटर. तो अगर किसी को पानी में रहना है तो उस तरीके से चेंज करेंगे अपने आप को, किसी को उड़ना है तो उस तरीके से बदले अपने आप को, क्योंकि मेजॉरिटी तो सब कहाँ रह रहे हैं, लैंड पर. सबसे यूनिक या कॉमन फीचर अगर आप इनमें देखोगे जो सब मैमल्स में मिलेगा ही मिलेगा, वो है बेटा प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स या फिर मैमरी ग्लैंड्स का होना. तो आपको इन सब में मैमरी ग्लैंड्स मिलेंगे और इसीलिए आपने इनको मैमल्स में रखा है. बैट को हम बर्ड क्यों नहीं काउंट करें, क्योंकि उसके पास भी मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है. ये सब अपने यंग वन को नरिश करते हैं, यंग वन को नरिश करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. तो आपको मोस्ट ऑफ द वीनियल्स में यहाँ पर मैमरी ग्लैंड्स फंक्शनल मिलेंगे जो मिल्क प्रोडक्शन का काम करेंगे. इनके पास बेटा टू पेयर्स ऑफ लिम्स होंगी जो वॉक करने में, रन करने में, क्लाइंब करने में, बरो स्विम या फ्लाई करने में इनकी हेल्प करेंगे. तो जो भी इनको काम करना है उस बेसिस पर इनके जो लिम्स हैं ये अपने आप को मॉडिफाई करेंगे. स्किन आप देखोगे तो यूनिक है, क्योंकि स्किन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, स्किन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं. तो बॉडी में हेयर प्रेजेंट आपको मिलेंगे, एक्सटर्नल ईयर्स मिलेंगे, मतलब हमारे पास कुछ पिन्ना है. अभी जब हम बात कर रहे थे किसकी, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, तो वहाँ टिम्पैनम था, यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल ईयर यानी पिन्ना प्रेजेंट है. टीथ होते हैं अलग अलग टाइप के बेटा, जॉज में प्रेजेंट रहते हैं. तो नाथोस्टोमाटा के मेंबर्स हैं तो जॉ तो होगा ही, है ना. हार्ट फोर चेम्बर्ड हैं, ये भी होमियोथर्मस हैं. रेस्पिरेशन इनमें भी गिल्स से होगी, सेक्सेस इनमें भी सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इनमें भी इंटरनल है, और ये भी यंग वन को बर्थ देते हैं. तो मैक्सिमम सारे विविपेरस हैं यंग वन को बर्थ देंगे, बट इसका कुछ एक्सेप्शन है, और इसका एक्सेप्शन है बेटा प्लैटिपस. इसका एक्सेप्शन है प्लैटिपस. प्लैटिपस क्या करता है, प्लैटिपस अंडे देता है. तो ये एक एग लेइंग मैमल है, एग लेइंग मैमल है. इसका पूरा नाम है ऑर्निथोरिंकस. तो ऑर्निथोरिंकस इसका जूलॉजिकल नेम है, प्लैटिपस इसको कॉमनली बुलाया जाता है, और ये एक ओवीपेरस मैमल है. बाकी सारे मैमल्स विविपेरस होते हैं जो यंग वन को बर्थ देते हैं, और वो भी डायरेक्टली ठीक है, डायरेक्टली अडल्ट में कन्वर्ट होता है. ऐसा नहीं होता कि बीच में कुछ लार्वल स्टेज आए, तो लार्वल स्टेजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी. बाकी एग्जांपल्स आप देख लो, तो विविपेरस में बाकी एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं जैसे कि कंगारू. इनमें क्या होता है, यंग वन को ही बर्थ देते हैं पर वो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड होता है, तो उसको मार्सुपियल्स कहलाते हैं. ये अपने पाउच में उसको रखते हैं, वार्म्थ देते हैं बॉडी की, ताकि वो जब तक मैच्योर ना हो जाए सेफ रह सके, वहाँ डेवलप हो सके प्रॉपरली. तो पाउच्ड एनिमल्स कहलाते हैं ये लोग मार्सुपियल्स, जिसमें आता है आपका कंगारू. इसके अलावा आप देखोगे तो आपको यहीं पर टेरोप्सिस मिलेगा जिसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, कैमिलिस मिलेगा जिसे कैमिल कहते हैं, मकाका जिसे मंकी नाम से जानते हैं, रटाटिस जिसे हम रैट नाम से जानते हैं, कैनिस जो कि डॉग है, फिलिस जो कि कैट है, एलिफिस जो कि एलिफेंट है, इक्विस जो कि हॉर्स है, डेल्फिनिस जो कि कॉमन डॉल्फिन है, और बेलिनो पेट्रा जो कि है आपकी ब्लू वेल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बेलिनो पेट्रा यानी ब्लू वेल, ये एक मैमल है ना कि एक फिश. प्लीज़ इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है.
पैंथेरा टिग्रिस यानी टाइगर और पैंथेरा लियो यानी लायन, इसी को बिलोंग करेगा होमो सेपियन यानी कि ह्यूमन बीइंग भी। तो हम सब के सब क्या हैं? हम सब के सब हैं एनिमल्स। हम बिलोंग करेंगे टू द फाइलम कॉर्डेटा। इन द सब फाइलम वर्टिब्रेटा वी विल बिलोंग टू द डिविजन नैथोस्टोमाटा, इन द सुपर क्लास टेट्रापोडा एंड इन द क्लास मैमलिया। तो यहाँ पर हम रहते हैं बच्चों। अब ये जितने भी एनिमल्स आप यहाँ देख रहे हो ना, ये एनिमल्स अपने आप इन मैमल्स बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर्स हैं जिनमें डिवाइडेड हैं। तो आप देखोगे इसी क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, टोटल मिला के 14 ऑर्डर्स हैं, और इन 14 ऑर्डर्स में सारे एनिमल्स को हमने डिवाइड करके रखा है। तो वो 14 ऑर्डर्स हैं, उस पर भी पहले क्वेश्चन आता था, अभी आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बेसिस पे वो क्लासेस, वो ऑर्डर्स जो इंपॉर्टेंट हैं जिन एनिमल्स का पूछते हैं, सिर्फ उसको मेमोराइज करेंगे, ठीक है। बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ से आप सिर्फ इतना देख लो कि ये है ऑर्निथियोरिंकस यानी प्लैटिपस, जो अंडा देने वाला मैमल है। ये है आपका मार्सुपियल, जिसका ये पाउच में बेबी रखा हुआ है, जिसका नाम है मैक्रोपस यानी कंगारू। इसके अलावा बेटा आपको देखने को मिल रहा है टेरोप्सिस, ठीक है, जो कि आपका बैट है, उड़ता है ये। इसके अलावा कौन है, बेलिनोबेट्रा यानी आपकी ब्लू व्हेल, जो लार्जेस्ट मैमल है, सबसे बड़े साइज की भी है। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर एनिमल किंगडम एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारा गुड लक तुम्हें, क्योंकि तुम्हें सब कुछ याद करना है। तो अच्छे से उसको लर्न करो, मेमोराइज करो, आज का पूरा दिन ले लो। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे, आज आप सिर्फ इस पूरी चीज़ को अच्छे से गो थ्रू करो, क्योंकि पिछले 3 सालों में जो ट्रेंड चेंज हुआ है, सारे क्वेश्चंस कॉर्डेट से ही पूछे जा रहे हैं। तो कॉर्डेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो पूरा कॉर्डेट आप एकदम अच्छे से पढ़ो, याद करो, मेमोराइज करो, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉर्डेट्स। काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो 30 से भी ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो आज हम कवर करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर बहुत बर्डन पड़ेगा। तो आज हम नहीं उसको डिस्कस करेंगे, आज आप सिर्फ और सिर्फ पूरा प्रॉपर इसको अच्छे से रीड करना, एक बार समरी ग्रो थ्रू करना। आगे पीछे मैं समरी क्लासेस भी लाऊंगी तुम्हारे लिए, इसमें हम क्लास में सिर्फ समरी डिस्कस करेंगे चैप्टर्स की, क्योंकि समरी में भी कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं। तो समरी बैच, समरी क्लासेस अलग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी क्या करो, पूरे को प्रॉपर मेमोराइज करके एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न करो, नेक्स्ट क्लास में मिलो मुझे, ताकि मेरे साथ साथ क्वेश्चन के आंसर्स दे पाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अच्छे से पढ़कर आना, सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपसे ही एक्सपेक्ट कर रही होंगी। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। कीप लर्निंग गाइज, थैंक यू।